नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। हीरानगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू भारती शर्मा की अध्यक्षता में डोमिसाइल और टोल प्लाजा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद रहे भारती शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू प्रोविजन, नेशनल कॉन्फ्रेंस रामदास हीरानगर ब्लॉक सेक्टर श्यामलाल मेहरा ओबीसी साइल वाइस प्रेसिडेंट, सोमा देवी कठुआ डिस्ट्रिक्ट महिला विंग वाइस प्रेसिडेंट ध्रुव सिंह। हीरानगर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। सर, जो आज की आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पे, किस मुद्दे को लेकर है? आज जो हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए, तो खास करके हमारी जम्मू कश्मीर में या हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो भी जरूरत मुद्दे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, लोग दुखी हो रहे हैं, उनके विषय में है। और उसमें हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं और लोगों तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बात जहाँ बन चुकी है अंधेरी नगरी चौपट राजा, लोग भी जो हैं वो भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या देख रहे हैं, वो उनकी बातों में कैसे आ रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है और जो केंद्र की सरकार, हम तो सीधी सीधी करके जो ये केंद्र की सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, मोदी सरकार अब जम्मू में उसी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ये जो कोरोना इस समय पूरे देश में फैला हुआ है और जम्मू कश्मीर में अब बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और इसके जो उपाय करने चाहिए थे वो सरकार नहीं कर पा रही है, वो उसमें फेल हो रही है सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार, क्योंकि वो ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जो आवाम के खिलाफ जाते हैं। जैसे अब एक नया फैसला इन्होंने लिया कि डोमिसाइल आप बनाओ। भाई, आप डोमिसाइल तो बनाओ, लेकिन कहाँ बनाओ? अब लोग देखिए, आप आइए, आप पत्रकार हैं, आप ही देख रहे हैं कि तहसील हेडक्वार्टर में आप जाइए, वहाँ कितने लोग इकट्ठे हुए, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रखा है, लोगों को मजबूरी है। एक तरफ आपने 6 साल किसी को नौकरी नहीं दी, अब आप कहते हैं कि आप नौकरियाँ देंगे, आप डोमिसाइल बनाओ, अब वो डोमिसाइल लोग बनाने के लगे हैं। भाई, डोमिसाइल की क्या जरूरत थी? जो स्टेट सब्जेक्ट था आप उसी को डोमिसाइल में कन्वर्ट कर देते। सर, एक सूत्रों के हवाले से एक खबर सुनने को मिल रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक वाक्य है कि उनका कहना है कि 15 अगस्त के बाद हमें दीप माला का कोई आयोजन करने जा रहे हैं 15 अगस्त के दिन। नहीं, वो जो आपने पढ़ा है, वो मैंने भी पढ़ा है, वो 15 अगस्त का नहीं है, वो 5 अगस्त का, जिसमें 5 अगस्त को उन्होंने 370 करोड़ पिछले साल को खत्म किया गया, वो है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बुरा दिन 5 अगस्त का, जो मैं मानता हूँ, मेरी पार्टी क्या कहती है मुझे उसका नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर ये नौजवानों के लिए ये बहुत बुरा दिन था, उस ये इनकी बेकारी का शुरू होने का ये दिन था, क्योंकि उनको अब नौकरी नहीं मिलेंगी, उनको परिवार नहीं मिलेगा, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा नौजवानों का। और ये दीप माला की बात कर रखें, मैंने कहा कि लोगों का आत्मसमर्थन करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के आज जनता को, क्या हमारे साथ ये 5 अगस्त का जो दिन है ये हमें खुशी में मनाना चाहिए या मातों में मनाना चाहिए? अगर कोई मेरी बात पूछेगा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ इसको मातों में मनाया जाए 5 अगस्त के दिन को, ये हमारे लिए मातों का दिन होगा। हमारे यहाँ बीजेपी के भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं हमारा विकास करना है, हमें डेवलपमेंट करनी है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ का विकास कर रहे हो, कहाँ हो रखा है? जो ठेकेदार लोग हैं जिन्होंने साल साल डेढ़ डेढ़ साल से अपने काम कराए रखे हैं, उनको आज तक पेमेंट नहीं है, और पेपरों में आ रहा है कि वो पेमेंट नहीं देगी, तो आप कहाँ से विकास कर रहे हैं? वो पैसा तो ठेकेदारों ने अपनी जेब से लगाया हुआ है, वो तो ठेकेदार विकास किया है, आपने आज तक उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप कहाँ विकास कर रहे हैं? अभी वो एक पिछली सरकार का पुल का काम चल रहा था तरना नाले पर, वो भी आपने देखा होगा, आपने भी फोटो खींचे होंगे उस दिन,
बड़े बड़े उसने चार तख्तियाँ लगाई हुई, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, दूसरे दिन उनको हटा दिया गया एक को, क्यों उनके वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम था लेकिन दूसरे लोगों का भी था। दूसरों को कहते हैं अपने घर को तो संभालेंगे, अपने तो देखेंगे हम क्या कर रहे हैं वहाँ। तो ये पार्टी जो है बीजेपी, ये बताए हमें लोग जो हीरानगर के इलाके के हैं, जिसको कुटुआ के हैं, किधर है। अगर हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनकी आत्मा से भी, क्या बताइए 370 तोड़ने के बाद, 31 तोड़ने के बाद आपको क्या फायदा मिला? जो फायदा मिला वो भी दिल से दुखी है, ठीक है वो मुंह से बीजेपी वाले बात निकाल सकते हैं, वो कहते हैं नहीं डरते हैं वो, लेकिन दिल से दुखी हैं। वो जानते हैं कि हमें नुकसान हुआ है सिराज से जम्मू कश्मीर को भी होने से, खासकर आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए। मैं तो ये कहूँगा कि आने वाली जो नस्लें हमें पूछेंगी, हम तो नहीं रहेंगे लेकिन आने वाली नस्लें लोगों से पूछेंगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। इन्होंने पूरे नौकरियों के दरवाजे बच्चों के लिए बंद कर दिए, अब हमारे जितने भी बच्चे पढ़ेंगे वो PhD करेंगे, MPhil करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। आप देखेंगे ये बच्चे और थोड़ी देर के बाद ये सब क्रिमिनल बनेंगे, क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं होगी। बाहर के लोग आएंगे जहाँ नौकरियाँ कर चुके जाएंगे, जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी।